समय पे एक्ट नहीं किया, अगर किया होता तो इस तरह की घटना नहीं हुई होती। बड़ी बात यह कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस पूरे मामले पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और इनफैक्ट उन्होंने नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ तौर पर बिहार में गजवाए हिंद कराने के लिए जिम्मेदार बताया है। तो अब देखना यह होगा कि जो जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बेगूसराय में और बिहार में बढ़ रही हैं, तो इस पर राज्य सरकार क्या करती है। नेहा, साथ ही धारा 144 लागू है पूरे इलाके में, कितने लोगों को हिरासत पर लिया गया है, कितने और संदिग्ध हैं जो बाकी हैं? जी नेहा, जहां तक बात की जाए तो अब तक 10 लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बात आ रही है और इसके अलावा जो जिला पुलिस है वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और इसके अलावा जो और वीडियोस वायरल हो रहे हैं उस समय के, उससे लोगों को चिन्हित करने का काम कर रही है, जिसके बाद और लोगों पर भी, दोषी लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। नेहा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें बयां कर रही कैसे प्रतिमा विसर्जन के बाद हिंसक झड़प शुरू हो गई, ये वीडियो